गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसको बनाने के लिए हम आलू लेंगे। आलू बड़े आकार का लेंगे, छोटा नहीं लेंगे। उसको चारों साइड से काट लेंगे। और हमें आलू को क्यूब आकार का काटना, स्क्वायर स्क्वायर में काट लेंगे। बहुत छोटा नहीं काटना है, आप शायद देख सकते हो। हम सब आलू काट लिए हैं। अब इसको हम ठंडे पानी से 3-4 बार वॉश करेंगे। मैंने 2 बार वॉश किया है, 1 बार और कर रही हूँ मैं। 3-4 बार वॉश करना है इसको, ठंडे पानी से करना है और 15-20 मिनट तक भिगो के रख देना है, जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाए। उसके बाद हमें कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में आलू को बॉईल करने के लिए रख देना, थोड़ा सा नमक डाल देना है। आलू को हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 50% तक करना है, क्योंकि हमको बाद में भी तलना होगा। इसलिए थोड़ा सा आलू बॉईल हो और बाकी आराम से आप देख सकते हैं, नहीं तो आलू फूट जाएंगे। अगर ज़्यादा बॉईल हो जाएगा तो आलू फूट जाएंगे। इसको गर्म पानी से निकाल के तुरंत ठंडे पानी में डाल दें, बर्फ़ के पानी में। अब इसको मैंने निकाल के अलग रख दिया है। अब ये थोड़ा गर्म ही रहेगा तभी हम इसमें सब कुछ मिलाएंगे। भाप निकल चुकी है इसकी। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में आलू को रख देंगे। अब हम इसमें, क्योंकि नमक मैंने पहले से डाला था, इसलिए नमक कम रखेंगे थोड़ा। और कुटी हुई लहसुन डालेंगे। लहसुन डाल के अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 बड़ा चम्मच। मैदा डालेंगे 1 चम्मच। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, मैदा कम रखना है। उसके बाद चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 चम्मच। बच्चों को तीखा कम पसंद होता है, इसलिए आप अपने अनुसार मिर्चा रखें। लास्ट में धनिया डालेंगे, मीठी नीम की पत्तियां डाल देंगे 2-3। सब डालकर हम चला देंगे। चला के उसके बाद तुरंत ही हमें बॉयल करना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल डालें या रिफाइंड डालें वो आपकी मर्जी, मैंने तेल में बॉयल किया है। तेल में मैं तल रही हूँ। इसको क्रिस्पी होने तक हम तलेंगे, क्योंकि आलू पहले भी पक चुके हैं, इसलिए हमें ज़्यादा देर नहीं तलना है। जैसे ही क्रिस्पी हो जाए फटाफट निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। इसको बच्चे टमाटो केचप के साथ बहुत प्रेम से खाते हैं। फ्रेंच फ्राइज लाइक ये होता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज हम बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसे बनाते हैं, बस इसका आकार अलग है। हमारी आलू पक चुकी है, अब हम निकाल लेंगे। अब
अब एक बाउल लेंगे, बाउल में नैपकिन पेपर बिछाएंगे और इसको निकाल लेंगे। देखिए हमारे आलू कितने क्रिस्पी और करारे बनके तैयार हो रहे हैं। अब फटाफट ऑयल से निकाल के बाउल में रख लेंगे हम। लास्ट में हम मिर्चा भी तल देंगे। मिर्चा 2 ही मिनट तले, नहीं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। बस 2 मिनट तल के तुरंत निकाल लेंगे। हमारा क्रिस्पी नाश्ता आलू का बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो गया है। इसको टमाटो केचप के साथ बच्चों को दीजिए, बहुत ही प्रेम से खाएंगे। मिर्चा बड़े खा सकते हैं, आलू बच्चे खाएंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।